हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 28 मार्च 2023 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, परमानेंट पोस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सिलेबस क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, पोस्ट कोड NTR 12023 के अंतर्गत। इसमें टोटल 8 पोस्ट रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट रिलीज किया गया है। सो NTR में टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर है, SC के लिए 37 ईयर है, ST के लिए 37 ईयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 ईयर एज लिमिट है मैक्सिमम एज लिमिट। जो एज काउंट आपका किया जाएगा वो आपका 25 अप्रैल 2023 तक का किया जाएगा, मीन्स लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है तब तक का किया जाएगा काउंटिंग। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, CBT कंडक्ट किया जाएगा, CBT के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो CBT में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% मार्क्स है, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो भी आपका ईमेल रहेगा उसके थ्रू आपको मैसेज दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो रहेगा उसके थ्रू मैसेज दिया जाएगा जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे CBT के लिए। सो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो 3 सेक्शन होंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, और ऑयल इंडिया लिमिटेड के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 20% मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए से। सेक्शन बी आपका रहेगा रीजनिंग, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 20% मार्क्स के। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन जो आपका रहेगा सी सेक्शन, उसमें नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग फील्ड के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे 60% मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स टोटल 100% मार्क्स में आपके 20% मार्क्स जो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस और ऑयल इंडिया लिमिटेड से क्वेश्चन रहेंगे 20% आपका रहेगा रीजनिंग, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, और 60% आपका नर्सिंग फील्ड से क्वेश्चन रहेंगे। MCQ फॉर्मेट आपका रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके अलावा इंग्लिश और SMEs लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर का आपके पास टाइम रहेगा, आपका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा 2 आवर के लिए आपका एग्जाम होगा। सो एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने रहेंगे तो उसमें कंपलसरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप नर्सिंग स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट रहेंगे मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो भी आपने किया हुआ है फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कंपल्सरी है। इसके अलावा बाकी अनदर डॉक्यूमेंट भी रहेंगे लाइक कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो, उस केस में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उनको मैसेज के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर ईमेल या फिर SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको NOC भी सबमिट करना होगा।
इसके अलावा जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जब भी आप जा रहे हैं तो आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है। तो बिना आइडेंटिटी प्रूफ के, बिना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको ऑल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी, तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट्स का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर सबमिट करना होगा। सो आपका एग्जाम के बाद आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाएगा। सो उस टाइम पर आपको ओरिजिनल और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का लेकर जाना है साथ में। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 25 अप्रैल 2023 है। सो जो भी आपका एज काउंट किया जाएगा या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा वो सभी लास्ट डेट तक ही किया जाएगा, मीन्स 25 अप्रैल 2023 तक का ही किया जाएगा। किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको करंट ओपनिंग में सेक्शन में जाना है। वहाँ से करंट ओपनिंग सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ से ऑल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर कैरियर में जैसे ही आप करंट ओपनिंग पर जाना है, करंट ओपनिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा करंट ओपनिंग्स में। एडवर्टाइजमेंट ये फर्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन मल्टीपल पोस्ट एट ऑयल FHQ। तो यहाँ पर आप लिंक दिया हुआ है, अप्लाई करना है तुरंत तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है, और या फिर PDF आप पढ़ना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट का तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अप्लाई करना है तो अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। यहाँ देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF फाइल किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप फिलअप करते हैं उसके बाद आपको एक यूजर ID और यूजर नेम एप्लीकेंट और पासवर्ड जनरेट होगा, जो कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। सो वहाँ से आपको हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिक यूजर आईडी, यूजर नेम एप्लीकेंट की आईडी जो रहेगी और पासवर्ड आपको अच्छे से रखना है, वो यूनिक होगा आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो अप्लाई करते टाइम आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपका रहे, और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का प्रिंटआउट भी लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो आपका रहेगा, जनरल OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए 200 रुपीज़ रहेगा। इसके अलावा SC ST EWS के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। जो भी आपको अनाउंसमेंट रहेगी ऑयल इंडिया लिमिटेड से वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही दी जाएगी, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो टाइम टाइम पर आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है फर्दर अनाउंसमेंट के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।